माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेष राशि सितंबर 2022 कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके संतान, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका लाइफ पार्टनर, आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका लाभ कैसा रहेगा और धन का आगमन कैसा रहेगा, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लगन भाव से देखा जाता है और लगन भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और लगन में राहु विराजमान है, तो सितंबर के महीने में आप को मानसिक अशांति रहेगी, कभी कभी चिड़चिड़ापन रहेगा, कभी कभी आपको कमर में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन इत्यादि हो सकते हैं। अब आपके संतान कैसा रहेगा, पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी 17 सितंबर तक पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं सूर्य, तो 17 सितंबर तक आपके संतान से कोई खुशी मिल सकती है, या कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उनको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। लेकिन 17 सितंबर के बाद जब सूर्य कन्या राशि से गोचर करेंगे, छठे भाव से गोचर करेंगे, जो छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तब आपको सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आपका प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं सूर्य 17 सितंबर तक, तो आप बहुत एग्रेसिव होंगे, क्रोधित हो जाएंगे, आप में कंफ्यूजन होगा, आपने लाइफ आपके पार्टनर से आपकी अनबन हो सकती है। और 17 सितंबर के बाद जब सूर्य कन्या राशि छठे भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे, नहीं तो आपके प्रेम प्यार में विच्छेद भी हो सकते हैं। और आपके अब लाइफ पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य शुक्र आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं 24 सितंबर तक, तो आपके और केतु विराजमान है, तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में पर ध्यान दें, उनसे साफ ट्विनिंग बना कर रखें, नहीं तो लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का काफी ख्याल करें क्योंकि राहु के बीच पूर्ण दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ रही है। अगर प्रेम प्यार अगर आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी गुरु 12 भाव से गोचर कर रहे हैं और जो वक्री गति से है नवंबर में वो मार्गी होंगे, तो इस पीरियड में तो अपने स्वराशि से ही गोचर कर रहे हैं, तो आपका भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु 12 भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्र गति से कर रहे हैं, आपको परिश्रम ज्यादा करनी पड़ेगी तब थोड़ा भाग का साथ मिलेगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शनि वक्र गति से चल रहे हैं जो अक्टूबर में मार्गी होंगे और अपने स्वराशि से गोचर कर रहे हैं, सस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, जिसको नौकरी नहीं मिली है उसको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, कारोबार जिसका है उसको सफलता मिल सकती है, थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, अक्टूबर से उनके कारोबार अच्छा चलेगा जब शनि मार्गी हो जाए। अगर लाभ की बात करें तो लाभ 11th हाउस से देखा जाता है और 11th हाउस के स्वामी शनि दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो लाभ होगा लेकिन आपके मन के अनुसार नहीं होगा क्योंकि शनि वक्र गति से चल रहे हैं, लाभ की संभावना है लेकिन लाभ उतना नहीं होगा जितना आप सोचते हैं।
धन का आगमन की बात करें तो धन का आगमन द्वितीय भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र 24 सितंबर तक पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं और 24 सितंबर के बाद जब वो छठे भाव से गोचर करेंगे तो 24 सितंबर तक धन का आगमन आपके ठीक ठाक रहेगी, डेली वेज का काम अच्छा रहेगा, धन का आगमन भी होगा। तो जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है इसे निजात पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य दिन पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, मंगल का व्रत रखें, जिससे कि आपको जो परेशानियां थोड़ी बहुत आएंगी उससे आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ मेष राशि सितंबर 2022 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।